गुड आफ्टरनून क्लास. एट दिस टाइम वी शैल स्टडी एडिशन एंड सक्सेसिव डिविजन ऑफ रेशनल नंबर. हम इस समय रेशनल नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ये बताएंगे. हमारे पास क्वेश्चन है -13/8 एंड 12/-5. इसको ऐड करना है तो क्या करना. सबसे पहले हम एंड के स्थान पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे. -13/8 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -12/5. अब 12/5 माइनस में इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आसपास में एक साथ नहीं लिख सकते हैं. अब 12 -13/8 प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर -12/5. इधर देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर भी प्लस है तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा. माइनस माइनस इक्वल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल माइनस ये चिन्हों का गुणा होता है. तो ऐसा गुणनफल इनका रहता है. प्लस प्लस का प्लस माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस माइनस ये प्लस माइनस का भी माइनस होगा. दोनों तरह से कोई भी एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का है तो वो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा. तो यहाँ पर अब 8 और 5 हमको डिनोमिनेटर सेव करने हैं. तो डिनोमिनेटर सेव करने के लिए यहाँ पर तो दो ही नंबर है, इनका एलसीएम दिया जाता है. 8 5 2 4 5 2 2 1 5 5 1 1. तो यहाँ हो गया 2 × 2 × 2 × 5 = 40. 40 हो गया यहाँ पर, 40 होना है. यानी ये डिनोमिनेटर का एलसीएम 40 है तो यहाँ पर 40 लिखा जाएगा. यानी न्यू डिनोमिनेटर हमारा होगा वो 40 होगा. अब जब 40 डिनोमिनेटर तब होगा जब हमको दोनों को यहाँ 8 5 या 40 होता है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -65. और इधर 5 का 8 पर लगता है तो 12 8 = 96. अब चूंकि ये दोनों माइनस के हैं इसलिए यहाँ पर दोनों एक में ऐड हो जाएंगे. 5 6 11 और 6 9 15 और 1 यहाँ पर पैरी है तो 161 हो जाता है और अपान 40 ये आंसर हो गया रेशनल नंबर में ये एडिशन. इस तरीके से हम ऐड करते हैं. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे यही रूल्स सब्ट्रैक्शन में भी लगेगा. तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो इधर देख लेते हैं, ये हो गया है ना। क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है एट अपॉन सेवन माइनस फाइव अपॉन 14, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही रूल्स यहां भी लागू होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना। यहां पर एलसीएम लेंगे तो इसका 7 14 का 14 आएगा, यहां पर 7 7 और फिर 7 से कर देंगे तो 1 1 हो गया, 2 × 7 = 14, यानी यहाँ पर 14 डिनोमिनेटर हो जाएगा और इसके बाद में 7 2 जा यानी 8 2 जा 16, 16 − 5। अब इसको माइनस कर देंगे तो 16 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए, 11 upon 14, ये आंसर है। Thus we read here, add and subtract of rational number होमवर्क में exercise 1.2. Okay, it's okay. See you again.